हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुप्रिया टॉक शो। आज हम लौंग लत्ता बनाने वाले हैं। लौंग लत्ता बंगाल और नॉर्थ इंडिया की बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले हम लौंग लत्ता का भरावन बनाएंगे। तो भरावन बनाने के लिए हमें लगने वाला है मावा, भुनी हुई सूजी, इसे हमने घी में फ्राई करके लिया है, भून के लिया है। ड्राई फ्रूट्स, इसे हमने मिक्सर में थोड़ा क्रश करके ले लिया है। नारियल का बुरादा, पीसी हुई चीनी। लौंग लत्ता का भरावन बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स करना है। तो पहले हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, फिर इसमें सूजी मिला देंगे। ये सब आप कितना बनाने वाले हैं उस हिसाब से आप मिक्स करना। सूजी की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें नारियल का बुरादा मिलाएंगे। ये पीसी हुई ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें काजू बादाम किशमिश सब मिक्स है। अब अपने स्वाद के हिसाब से इसमें चीनी मिलाएंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब हमारा भरावन बना के तैयार है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे साइड में रख दीजिए। अब हम भरावन भरने के लिए आटा तैयार करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने मैदे का आटा लिया है, उसमें हम तेल या घी से मोयन देंगे अब इसे ऐसे मिक्स कर लेना है। हमने आटे को अच्छे से मोयन दे दिया है, देखिए कितना अच्छा हो गया है। अब हम इसमें हल्का गर्म पानी लेके डालेंगे, इससे हमारा आटा बहुत अच्छा गुठाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालना। हमारा आटा गूंथकर हो गया है। इसे ना आपको लूज करना है ना टाइट करना है, इसे मीडियम रखना और एक गीले कपड़े को अब इसके ऊपर हम रख देंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक बर्तन में 500 ग्राम पानी लिया है, मतलब आधा लीटर पानी लेना है और उसमें आधा केजी ही हम चीनी डालने वाले हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे हिलाएंगे। पांच मिनट तक ऐसे हिलाते रहेंगे। हमारा 5 मिनट हो गया है, देखिए चीनी इसमें भीग गई है। अब हम इसे ढककर रख देंगे लो फ्लेम पे, इससे हमारी चाशनी जल्दी बनेगी। 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। हमारी चाशनी को 10 मिनट हो गया है। अब हम इसमें नींबू का जूस डालेंगे। ये इसलिए डाल रहे हैं इससे हमारी चीनी की जो गंदगी होती है वो निकल जाएगी। ऐसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो नींबू डालने के बाद हमारे इसके ऊपर देखो एक गंदगी आ रही है, इसे हम ऐसे निकाल के फेंक देंगे और साथ ही नींबू भी निकाल देंगे। अब हम इसमें केसर डालेंगे। पीसी हुई इलायची डालेंगे और इसे चलाएंगे। इलायची हम पीस के इसलिए डाल रहे हैं कि इससे है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चाशनी में। Thank you.
इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। लट्टा बनाने के लिए हम पहले इसे आटे की लोई कट करेंगे, फिर इसे बेलेंगे। अब इसमें भरावन डालेंगे। चारों तरफ पानी लगाएंगे। अब इसे एक के ऊपर एक करके ऐसे बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, इसके ऊपर ऐसे रखकर ऊपर से लौंग डाल देनी है। देखो हमारा लौंग लत्ता बनके तैयार है। अब इसके बाद हम इसे फ्राई कर देंगे, ऐसे बीच में जगह रहनी चाहिए। ऐसे हमने बना के इतने रख लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने एक पैन में तेल डाल के रख दिया है, अब एक गरम हो चुका है। अब हम इसमें अपने लौंग लत्ते फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। हमारे फ्राई करके हो गए हैं, अब हम इसे सीधे चाशनी में डाल देंगे। इसी तरह हम बाकी के भी कर लेंगे और इसे 2 मिनट के बाद फिर निकाल देंगे। थोड़ा भीग के हो चुका है, अब आप इसे निकाल देंगे एक बर्तन में। आराम से निकालना, आराम से निकालिए। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसे गार्निश करके दिखाएंगे।